आपने ऐसा सुना है कि नमक को गिराना अशुभ होता है, इससे बैड लक को हम न्योता देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस विश्वास या अंधविश्वास की जड़ क्या है, ऐसा क्यों माना जाता है? तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नमक के कुछ अनोखे और अविश्वसनीय फायदे बताएंगे। पहले के जमाने में नमक को बहुत ही महंगा माना जाता था, क्योंकि उसके उत्पादन बड़ा ही कठिन प्रक्रिया से किया जाता था, सिर्फ अमीर ही इसे इस्तेमाल कर पाते थे और इसीलिए इसका गिरना अशुभ माना जाता था। क्या आप जानते थे कि सैलरी ये शब्द का इजाद लैटिन भाषा के नमक शब्द से बना है? अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया के कुछ हिस्सों के लोग नमक को लेके कई रस्मों रिवाजों में श्रद्धा रखते हैं। प्राचीन इजिप्ट के लोग नमक का प्रयोग करके किसी भी यात्रा में जाने से पहले बुरी शक्तियों या नेगेटिव एनर्जीज को भगाते थे। भारत में तो आज भी नमक को बुरी नजर उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने अपने घर में कभी थोड़ी देर बैठने से ही अपने मन को तनावग्रस्त और भारी भारी सा महसूस किया है? या ऐसा कह सकते हैं कि आपको अपने घर में नेगेटिव वाइब्स महसूस होते हैं? तो दोस्तों, इसे आप नेगेटिव एनर्जी का असर भी कह सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको एक तरह से दुख का एहसास देता है और आपको बिना वजह विचलित कर देता है। आप थके थके से महसूस करते हैं, वो भी तब जब आपने ज्यादा कुछ मेहनत वाला काम भी नहीं किया है। तो ये संकेत काफी है कि आपके घर में पल रही है चाहिए नेगेटिव एनर्जी, जिससे आपको छत से दूर करने की गरज है। और इस वीडियो में हम आपके लिए इसका बड़ा ही आसान हल लेके आए हैं। अगर आपके घर में ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी आपने फील की है, तो बेड के नीचे नमक का एक बाउल रखें। ये आपके घर से सारी अनचाही नेगेटिव एनर्जी चुंबक की तरह खींच लेगा। आपके घर में आपका कोई अपना बीमार है, तो ये भी नमक भरा एक बाउल बेड के नीचे या बेड के बगल किसी टेबल पे रख दे और फर्क महसूस करें। सी सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक और भी ज्यादा असरकारक होता है। घर के अलग अलग कोनों में आप ऐसे नमक के बाउल्स रखकर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो गर्म पानी में सी सॉल्ट या सेंधा नमक डाल के नहा ले। आपको आराम मिलेगा और आपका मन शांत महसूस करेगा। दिन भर के थकान और टेंशन को भी शाम को नमक के गर्म पानी से नहाने से मिट जाएगा। जब भी आपको लक की गरज होती है, जैसे कि आपकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या एक जॉब इंटरव्यू, तो आप अपने पॉकेट में कुछ नमक लेके जा सकते हैं और आप शायद लकी बन सकते हैं। घर की तिजोरी में नमक की एक पोड़ी बांध के रखें और ये पैसों को अपनी ओर खींचेगी। आप जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आप वहाँ जल्द से एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपसे पहले वहाँ कौन था, वो क्या सोच रहे थे, ये आप नहीं जान पाओगे और उनके नेगेटिव एनर्जीज से आपको असर होने लगता है। लेकिन आप अगर नमक लेके जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को आप भगा सकते हैं। घर के दरवाजे के पास थोड़ा नमक को रखने से लोगों की बुरी नजर से बचा जा सकता है। ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों, देखा आपने, नमक को हम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इससे हम अपने जीवन में भी स्वाद ला सकते हैं। जब बुरी शक्ति हमसे दूर होती है, तो हमारा जीवन सुख शांति से भर जाता है। अगर आपको भी नमक से जुड़ी कोई बात पता है, तो कमेंट जरूर करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, और धन्यवाद।